बिहार में बाढ़ का कहर जारी, 13 जिले में पूरी तरह बाढ़ की चपेट में, अब तक 56 लोगों की मौत। दरभंगा में बाढ़ से बिगड़े हालात, कई जगहों पर तटबंध टूटने से सैकड़ों गांव का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क, 19 अगस्त तक सभी स्कूल बंद। सीतामढ़ी की 90% आबादी बाढ़ से बेहाल, राहत और बचाव कामों में जुटी एनडीआरएफ की टीमें। सरकारी मदद नहीं मिलने पर बाढ़ पीड़ितों का फूटा गुस्सा, बागा में हाईवे पर लगाया जाम। किशनगंज में भी प्रशासन से मदद नहीं मिलने पर लोगों में नाराजगी, नेशनल हाईवे पर जमकर हंगामा। कटिहार में विनाशकारी बाढ़ में अब तक 8 लोगों की मौत, हेलीकॉप्टर से राहत पैकेट फेंके जाने के दौरान एक शख्स की मौत। पूर्णिया में पानी में डूबे दर्जनों गांव, लोगों ने घरों की छत पर ले रखी है शरण। कैमरे में कैद हुई पूर्णिया में बाढ़ से लोगों की बेबसी, 4 दिन बाद शुरू हुआ राहत और बचाव का काम। सुपौल में कोसी की तेज धार में बह गई ड्रेजर मशीन, बाढ़ में फंसे ड्राइवर समेत आधा दर्जन लोग। सहरसा में भी बाढ़ से तबाही, कोसी को मनाने के लिए ग्रामीणों ने की पूजा। गोपालगंज में गंडक के दबाव की वजह से टूटा बांध, सांड बांध में कटा पेड़। मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ का कहर, कटरा प्रखंड में 50 गांव पूरी तरह जलमग्न। मधुबनी में भी कई इलाके पूरी तरह बाढ़ में डूबे, बेनपट्टी और माधोपुर में सबसे ज्यादा तबाही। बिहार में एनडीआरएफ की 25 से ज्यादा टीमें तैनात, अब तक करीब 1000 लोगों को किया गया रेस्क्यू। पूर्णिया में बाढ़ की तबाही के बीच आसमान से बरस रही आफत, खराब मौसम की वजह से नीतीश का दौरा रद्द। यूपी में बाढ़ का सितम, बाराबंकी गोंडा समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में, अब तक 23 लोगों की मौत। बिहार में पिपरासी बांध टूटने से कुशीनगर में हाहाकार, जिले में 80 गांव पानी में डूबे। बाराबंकी में अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है घाघर, बाढ़ में फंसे सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। गोंडा में भी घाघरा खतरे के निशान के ऊपर, सैकड़ों गांव जलमग्न। महाराजगंज में रोहिंग और नारायण नदी में उफान से कई गांव में सैलाब, 60 से ज्यादा गांव प्रभावित। नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण पीलीभीत में शारदा नदी उफान पर, कई गांव में घुसा पानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित पीलीभीत, सीतापुर और लखीमपुर खीरी का किया दौरा, अधिकारियों संग बैठक कर हालात का जायजा लिया। असम में भी कई जिले बाढ़ की चपेट में, राज्य में बाढ़ से अब तक 28 लोगों के मरने की खबर। असम के बारपेटा जिले में सबसे ज्यादा तबाही, करीब 2.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। बैंगलोर में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, रिहायशी इलाकों में पानी भरने से मुसीबत में लोग। यूपी के औरैया में जिला पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान बवाल, एसपी समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प। हंगामे के दौरान गुस्साए लोगों ने वाहन में लगाई आग, पुलिस ने जमकर फांची लाठियां। लखनऊ में विधानसभा के बाहर पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों का हंगामा, भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया बल प्रयोग। यूपी के गोरखपुर में अस्पताल में बच्चों की मौत पर सियासत जारी, लखनऊ में राज बब्बर की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पीलीभीत में अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन, विधायक की गाड़ी के आगे लेटकर जताया विरोध। दिवालिया हो चुके जेपी ग्रुप के फ्लैट खरीदारों को वित्त मंत्री जेटली से जगी आस, जेटली ने कहा खरीदारों को घर मिलना चाहिए। जेटली ने कहा खरीदारों के हित का रखा जाना चाहिए ध्यान, सरकार की सहानुभूति, घर खरीदारों के साथ। नोएडा में आम्रपाली ग्रुप से के सताए फ्लैट खरीदारों का धरना आज भी जारी, 5 दिनों से धरने पर बैठे फ्लैट खरीदारों के मुताबिक 9 साल बीत जाने के बाद भी नहीं मिला घर, अकेले नोएडा अथॉरिटी का 12,000 करोड़ रुपए बकाया। ग्रेटर नोएडा में जेवर टोल प्लाजा पर किसानों का हंगामा, सर्विस रोड नहीं बनने पर जेपी ग्रुप और अथॉरिटी के खिलाफ गुस्सा। तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन की तर्ज पर बैंगलोर में इंदिरा कैंटीन की शुरुआत, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किया लंच। बैंगलोर के 198 वार्डों में खुलेगा इंदिरा कैंटीन, 5 रुपए में मिलेगा नाश्ता, 10 रुपए में पेट भर भोजन। मध्यप्रदेश नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने जीती आधा से ज्यादा सीटें, कांग्रेस ने बढ़ाई सीटों की संख्या, 43 सीटों में से 25 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, कांग्रेस के हिस्से में 15 सीट, 3 सीटें निर्दलीय। चारा घोटाले केस से जुड़े पेशी के लिए रांची पहुंचे लालू, कल से 4 अलग अलग मामलों में पेशी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में लश्कर कमांडर अयूब लहलारी को मार गिराया, आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान घायल, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।
एलओसी पर पाकिस्तान ने एक बार फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, पुंछ के मनकोट में की फायरिंग। टेरर फंडिंग को लेकर घाटी में अलगाववादियों और हवाला कारोबारियों पर शिकंजा, एनआईए की 12 जगहों पर छापेमारी। जम्मू कश्मीर के सामा में संतुलन खाकर पलटी मैटाडोर, हादसे में 4 की मौत, 30 घायल। कोलकाता में 22 साल से की एयर होस्टेस की अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत, मामले की जांच कर रही पुलिस। सिक्किम की रहने वाली क्लारा बंशा रॉय इंडिगो एयरलाइंस में करती थी काम, घटना से लोगों में हड़कंप। आईटी खड़गपुर में लिफ्ट गिरने से 3 मजदूरों की मौत। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में ब्लू व्हेल गेम के चलते बच्चे की गई जान, 10वीं के छात्र का बाथरूम में मिला शव। तिरुवनंतपुरम में भी ब्लू व्हेल गेम ने ली बच्चे की जान, चैलेंज पूरा करने के लिए खुदकुशी। गाजियाबाद के विजयनगर में घर की छत पर सो रहे युवक की चाकुओं से कूदकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक नमी बदमाश ढेर। फरुखाबाद में स्कूल प्रबंधक पर एक छात्र की बेरहमी से पिटाई का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। इलाहाबाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ में इनामी बदमाश को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती कराया गया। मऊ रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, फोन पर दी थी धमकी। नोएडा में एक महिला ने घर में घुसकर की महिला की हत्या, प्रेम प्रसंग की वारदात का शक। देवरिया में भारी बारिश में एक घर की गिरी दीवार, एक बच्चे की मौत, 2 लोग घायल। सहारनपुर में बेटे बहू से परेशान बुजुर्ग ने नहर में लगाई छलांग, स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में कराया गया भर्ती। झांसी में स्टेशन मास्टर के रूम में डांस करती महिला का वीडियो वायरल, 2 कर्मचारी निलंबित। फरुखाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार के साथ एक शख्स गिरफ्तार। पीलीभीत में बारिश में घर की दीवार गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत, गांव में पसरा मातम। वाराणसी में घरेलू झगड़े में पति ने ली पत्नी की जान, बिहार के वैशाली में एक पेट्रोल पंप से 12 लाख की लूट में पुलिस का खुलासा, पंप कर्मचारी ने रची थी साजिश, 6 गिरफ्तार। मुंबई में अपनी मांगों को लेकर बॉलीवुड के जूनियर आर्टिस्टों का प्रदर्शन, फिल्म सिटी के गेट पर दिया धरना। महाराष्ट्र के बुलढाणा में बेकाबू ट्रक ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में 4 की मौत, 6 बुरी तरह घायल। दिल्ली में टूटा रफ्तार का कहर, मंडी हाउस के पास सुपर बाइक की रेस के दौरान युवक की मौत, 3 दोस्तों के बीच लगी थी रेस, साथी बाइकर्स के हेलमेट में लगे कैमरे में कैद हुई घटना। दिल्ली के अलीपुर में मानवता हुई शर्मसार, कलयुगी पिता पर नाबालिग बेटी से रेप का आरोप, मां की शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के संगम विहार में पानी में करंट से एक शख्स की मौत, घर में फंसा मातम। राजधानी में अगस्त क्रांति ट्रेन में मुसाफिरों से लाखों की लूट, मुंबई से दिल्ली आ रही ट्रेन में रतलाम के पास लूट। गुजरात के नवसारी में बीच पर नहाने गए 8 युवक समंदर में बहे, 3 को बचाया गया, बाकी युवकों की तलाश। गुजरात के वापी में चोटी कांड के रहस्य से पुलिस ने उठाया पर्दा, खुद की चोटी काटकर अफवाह फैलाने वाली 3 महिलाएं गिरफ्तार। गुजरात के आणंद में सामने आया ऊना कांड जैसा मामला, मवेशियों के शवों की खाल उतारने वाले दलित मां बेटे की बेरहमी से पिटाई। राजकोट में मेले में मौत के कुएं में करतब दिखाने के दौरान हादसा, तेज रफ्तार कार से गिरी लड़की, अस्पताल में हालत नाजुक,